Clash of Clans. How are you talking to Let's Kill? मैं आपका फेवरेट यूट्यूबर। तोरे ना रखे उसका हम दाई भी उसे ले रहे दारो। तो भाई दिवाली आने वाली है, बहुत ही जल्दी दिवाली आने वाली है। एंड सुबह सुबह यहाँ पे मैं बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए। लोग सुबह सुबह कुछ और करते हैं लेकिन मैं कुछ और कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअल में। मतलब गलत मतलब मत समझिएगा, लेकिन वो सभी लोग करते हैं सुबह सुबह। ओके, फिलहाल हम लोग सुबह सुबह आज जल्दी उठे हैं एंड आज हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं हमारे टाउन हॉल 13 के ऊपर। बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया, मुझे भी पता है, आप लोग पता है कि हम लोगों ने टाउन हॉल 13 के ऊपर बहुत टाइम से वीडियो बनाई नहीं है। टाउन हॉल 12 से बना रहे, 11 से बना रहे, एंड हाँ टाउन हॉल 10 की भी एक वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं टाउन हॉल 13 पे। हम लोग इतना नीचे गिर चुके हैं टाउन हॉल 13 पे, नीचे गिर चुके हैं आई मीन ट्रॉफीज में। हम लोग लेजेंड लीग में थे लेकिन अभी हम लोग आ चुके हैं टाइटन लीग 1 में। मतलब 4600 के आसपास हमारी कुछ ट्रॉफीज हो चुकी है, लेकिन अभी हम लोगों को ट्रॉफीज मैटर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस है वो है CWL में। एंड उसी के साथ जो हमारा क्लैन है इस CWL में प्रमोट होने वाला है फाइनली चैंपियन लीग 1 के लिए। इसी बात पे लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको। अभी हम लोग लाइव प्लानिंग करने वाले हैं एंड उसके बाद लाइव अटैक करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप लोग चैनल पे पहली बार आए? भाई दिवाली का समय आ चुका है यार, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो ना भाई, दिवाली मनवा दो यार मेरी, सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो, बाजू वाला बेल आइकन भी दबा दो। एंड मुझे पता है यार आपके घर पे ना दिवाली की मिठाई वठाई आना स्टार्ट हो चुकी होगी। एंड सच बता रहा हूँ, जो सोन पापड़ी आई है ना आगे फॉरवर्ड कर दो चुपचाप, क्योंकि इज्जत तो है नहीं सोन पापड़ी की किसी की नज़र में, मुझे पता है। काजू कतली हो तो बात अलग है फिर। चलो भाई फिलहाल अभी हम लोग बढ़ते दिवाली की मिठाई से आगे बढ़ते एंड आते हमारी वॉर में, क्योंकि हमारा क्लैन होने वाला है यहाँ पे चैंपियन लीग 1 में प्रमोट। तो अभी हम लोग आखिरी अटैक करने वाले हमारे वॉर का। ओके गाइज, आ चुके हम लोग हमारे टाउन हॉल 13 पे। ट्रॉफीज देख लो यार, 4600 ट्रॉफीज हो चुकी है हमारी। एंड हम लोगों ने आर्मी ट्रेन करके रखी है, लेजेंडरी हाइब्रिड आर्मी। एंड इसी के साथ हम लोग लाइव वॉर अटैक करने वाले, आते हम लोग CWL में। तो ये रही गाइज हमारी CWL, पहली जीत गए, दूसरी जीत गए, तीसरी जीत गए, चौथी हम लोग हार चुके हैं, पांचवी मतलब जीत ही चुके। देखो 14 में 34 हो चुके हैं, एनिमी के 15 में 31। मतलब हम लोगों को यहाँ पे एक अटैक करना पड़ेगा, हमारा ये अटैक बचा है राइट। एंड यहाँ पे देखेंगे तो हमारी रैंक 1 है एंड जो नंबर 2 का क्लैन है उनके सिर्फ 2 ही अटैक्स बचे हैं। मतलब हम लोग, मैं अगर यहाँ पे अटैक करूंगा नहीं तो भी हम लोग जीत जाएंगे, टोटल हमारे 212 स्टार्स हो जाएंगे। प्लान करेंगे एंड लाइव अटैक करेंगे बहुत टाइम के बाद। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट घुसने वाले हैं चैंपियन लीग 1 में, बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। जब भी आपका क्लैन चैंपियन लीग 1 में CWL खेलता है उस टाइम पे ध्यान रखना, आपका अकाउंट बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए अकाउंट सेफ रखना आपका, मतलब एक ही डिवाइस में लॉग इन रखना, शेयर भी मत करना किसी के साथ। अगर आप लोग नीचे के क्लैन में लाइक चैंपियन लीग 2, चैंपियन लीग 1 या फिर उसके नीचे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ओके फिलहाल हम लोगों को ये वाला बेस अलॉट हुआ है एक्चुअली, मतलब यही बचा है तो इसके ऊपर ही करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्वीन 4 स्टार्ट करने वाले 6 o'clock से। बीबी डालेंगे हम लोग डायरेक्ट टाउन हॉल के ऊपर, रेड स्पेल डालेंगे जिससे कि टाउन हॉल फूट जाएगा एंड क्वीन जिस साइड पे जाएगी उस साइड पे क्वीन को लेके जाएंगे। एंड ऑपोजिट साइड से हम लोग किंग डाल के हाइब्रिड स्टार्ट कर देंगे, सिंपल। ये बेसिकली हमारा प्लान है आज का, इसी प्लान के साथ हम लोग चलने वाले अटैक के लिए। चलो भाई देखते हैं क्या हम लोग 3-star कर पाते इस बेस के ऊपर या फिर नहीं। 3-star तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे एक्चुअली क्वीन आएगी, यहाँ पे कुछ हिलर्स आएंगे, यहाँ पे 2 बलून एक्स्ट्रा, यहाँ पे यह आएगा हमारा बैटल ब्लिंप। लेट्स होप हम लोग यहाँ पे टाउन हॉल डाउन, अरे बाप रे, क्या हम लोग टाउन हॉल डाउन कर पाएंगे क्या? कमोन 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 कमोन, अरे ओ माय गॉड, ये क्या हुआ भाई, ओ भाई साहब मजा आ गया। क्वीन यहाँ से जाएगी नहीं अंदर, पता है मुझे। चलो स्टिल, अरे बाप रे क्या बात है भाई। यहाँ पे एक रेड स्पेल आएगा, यहाँ पे हेड हंटर, यहाँ पे एक फ्रीज, क्या बात है भाई, मजा आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं किंग, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं हम लोग हमारा हाइब्रिड, क्या बात है भाई, मजा आ गया। यहाँ पे डाल देते सारे के सारे हॉक्स, यहाँ पे आएगी हमारी RC, यहाँ पे एक हील स्पेल आएगा भाई, टाउन हॉल फूटते फूटते बच गया। यहाँ पे एक पॉइजन डाल देते हैं, यहाँ पे आएगी एबिलिटी बुढ़े की, क्वीन के ऊपर एक रेज, गलत तो नहीं डाल दी, यहाँ पे एक हील, यहाँ पे मिनियन, यहाँ पे एक सुपर वॉल ब्रेकर, RC की एबिलिटी। चलो क्वीन के पास अभी भी एबिलिटी बची है हमारे पास, किंग की एबिलिटी दे देते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे मिनियन मिनियन ये हो गया गाइस हमारा थ्री स्टार अटैक इस बेस के ऊपर। यहाँ पे एक फ्रीज, यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी हो गया, ये हो चुका है गाइस हमारा थ्री स्टार अटैक। एंड इसी के साथ हम लोग जा चुके हैं चैंपियन लीग वन में, आखिरी बेस बचा था एंड हो चुका है ये वाला बेस थ्री स्टार। क्वीन अभी भी जिंदा है, क्वीन के पास एबिलिटी थी, चलो सही है एक हिसाब से देखा जाए तो। हो गया भाई इजी हो गया ये थ्री स्टार, क्या बात है मजा आ गया। आते हैं बैक में थोड़ा वॉर मैप पे एंड टोटल जो स्कोर है वो 37 स्टार्स एंड उसी के साथ 215 हो जाएगा, जीतने के बाद 10 एक्स्ट्रा स्टार्स मिल जाते हैं एंड चैंपियन वन में प्रमोट हो चुके हैं। एंड उसके बाद हम लोग कुछ अटैक्स देखने वाले हैं, वॉर वन से स्टार्ट करते हैं कुछ अटैक्स देखना। देखते हैं यहाँ पे अमित ने अटैक किया था नंबर 9 पे, ये वाला एक बार अटैक चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हाइब्रिड हुआ था, हाइब्रिड में पता है क्वीन के साथ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पे किया कैसे था अटैक देख लेते हैं। यहाँ पे बैटल ब्लिम डिप्लॉय करके ये वाला कंपार्टमेंट इन्होंने कर लिया डाउन, क्या बात है पूरा कंपार्टमेंट यहाँ पे डाउन हो चुका है। यहाँ पे आर्चर क्वीन डाल दी इन्होंने, यहाँ पे एक यटी डाल दिया था एंड एक विजेट डाल दिया था ताकि अच्छे से वहाँ पे फनल क्रिएट हो एंड क्वीन यहाँ पे अंदर की तरफ जाए, यहाँ से वॉल जो है वहाँ से अंदर जाए। लेकिन देखते हैं क्वीन कैसे अंदर गई है। यहाँ पे एक सुपर वॉल ब्रेकर इन्होंने डिप्लॉय कर दिया जिससे कि वॉल फूट गई एंड क्वीन इजीली अंदर चली गई। यहाँ पे एक रेड स्पेल इन्होंने डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पे वॉल फूट गई, क्या बात है। ओके यहाँ पे क्वीन आ चुकी है अंदर, एक बार 2x स्पीड में देख लेते हैं। चलो क्वीन चार्ज तो इनका ओपी गया था एंड यहाँ पे बार्बेरियन किंग डिप्लॉय करके बीच में पूरा का पूरा हाइब्रिड इन्होंने कर दिया डिप्लॉय, क्या बात है मजा आ गया। तो यहाँ से पूरा इन्होंने हाइब्रिड डिप्लॉय कर दिया, टाउन हॉल के ऊपर आ गई इसकी क्वीन एंड जो बार्बेरियन किंग है उसने भी यहाँ पे पूरा फनल बना लिया। ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी बिल्कुल सही टाइम पे दे दी, अभी भी इनके पास एक ही लेक रेज एक फ्रीज बचा है एंड क्वीन के पास स्टिल एबिलिटी बची है, मतलब कितना पावरफुल क्वीन चार्ज जा रहा है इसका, तारीफ करनी पड़ेगी क्वीन चार्ज की। जब आपकी क्वीन लास्ट तक जिंदा रहती है ना तो भाई 99.99% आपके थ्री स्टार होने के चांसेस बन ही जाते हैं क्योंकि क्वीन वो वैल्यू निकाल ही लेती है। अगर हम लोग इस बेस के ऊपर बात करें तो नियर अबाउट 30-35% के ऊपर यहाँ पे क्वीन ने वैल्यू निकाली है। तो यस टाउन हॉल सीसी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली है क्वीन की, तो क्वीन की तारीफ करनी पड़ेगी एंड हाइब्रिड में आपका क्वीन चार्ज इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखते नंबर 10 पे सनी ने अटैक किया था, यहाँ पे भी देख लो यहाँ पे भी हाइब्रिड आर्मी है, यहाँ पे भी देखना क्वीन के साथ कितनी वैल्यू निकाली होगी। एक बार इसको 2x स्पीड में देख लेते हैं, यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया बैटल ब्लिम। ओके पीछे से आ गए सारे के सारे हीलर्स, एक कंपार्टमेंट डाउन कर लिया सिंगल इन्फर्नो वाला, सीसी के अंदर से वो सुपर मिनियन आ चुका है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है आजकल क्वीन को। लावा हॉन्ड भी है, यहाँ पॉइजन स्पेल डाल दिया ताकि सुपर मिनियन जल्दी मर सके। यहाँ पे एक ऊपर की साइड पे 12 o'clock पे यटी डाल के विजिट डाल दिया ताकि प्रॉपर फनल क्रिएट हो जाए क्वीन के लिए एंड क्वीन पूरी अंदर आ जाए, एंड वो हुआ भी, क्वीन अंदर आ चुकी है। यहाँ पे ईगल वगैरह डाउन कर लिया क्वीन ने, क्वीन की साइड से वैल्यू देखो क्वीन कितनी हेवी डैमेज वाली वैल्यू निकाल रही है। यहाँ पे नीचे की साइड पे बार्बेरियन किंग डाल के फनल बना लिया, सारे माइनस डाल दिए, पीछे से बुड्ढा एंड रॉयल चैंपियन को डाल दिया। यहाँ पे एक हिल स्पेल आ गया टाउन हॉल के पास एंड वार्डन की एबिलिटी भी दे दी। यहाँ पे क्वीन देखो, क्वीन इमॉर्टल अभी भी जिंदा है एंड एबिलिटी भी है क्वीन के पास, मतलब देखना ना इस वाले अटैक में भी क्वीन लास्ट तक जिंदा रहेगी। यहाँ पे एबिलिटी यूज कर ली, ये देखो लास्ट तक जिंदा बची है यहाँ पे क्वीन एंड क्वीन ने कितनी वैल्यू निकाली, जस्ट देखो कितना पाथ फॉलो किया एंड आखिर में सारे ट्रुप्स मर गए थे लेकिन स्टिल अकेले क्वीन ने निकाला पूरा बेस। तो क्वीन चार्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके हाइब्रिड में, चाहे हाइब्रिड करो या फिर क्वीन चार्ज के साथ कोई भी अटैक कर लो। दूसरी वॉर भी जीत गए हम लोग, अब बस ये वाली वॉर हम लोग हार गए नंबर 4, लेकिन स्टिल हम लोग यहाँ पे नंबर 1 पे हैं क्योंकि ये वॉर सिर्फ हम लोग एक स्टार से आ रहे थे एंड हम लोग जा चुके हैं अभी चैंपियन लीग 1 में। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, यहाँ पे बहुत खतरनाक क्लैंस आते हैं एंड मे बी इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिमोट हो सकते हैं चैंपियन लीग 1 में जाने के बाद, क्योंकि बहुत खतरनाक क्लैंस आते हैं एंड डिमोट होने के चांसेस भी बन जाते हैं। अगर घटिया परफॉर्मेंस रही तभी हम लोग डिमोट होंगे, नहीं तो चलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस चलेगा। तो ये थी गाइज आज की हमारी वॉर जहाँ पे हम लोगों ने हाइब्रिड अटैक देखा टाउन हॉल 13 पे, बहुत पावरफुल है लेकिन क्वीन चार्ज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वीन चार्ज कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, टाउन हॉल लाइन से स्टार्ट होता है। अगर आप लोगों ने टाउन हॉल लाइन पे क्वीन चार्ज मास्टर कर ली तो अपर टाउन हॉल्स पे आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी गाइज आज की वीडियो, आई होप आप लोग पसंद आई होंगी हाइब्रिड आर्मी एंड आप लोग भी करते होंगे शायद हाइब्रिड आर्मी के साथ, बहुत पावरफुल आर्मी है। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बाजू वाला बेल आइकन दबाओ। मैं मिलता हूं आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।